हम यूपी बिहार जाने हो कदे पंजाबी लिखी है बोर्डों ने जो यूपी बिहार के पंजाबी नहीं हैगी तो पंजाब के हिंदी भी नहीं होनी चाहिए। स्कूलों की कहना चाहूँगा ऐसे स्कूलों यही कहने जे तो पंजाबी पढ़ानी है ठीक है नहीं तो भाई स्कूल बंद करो। पंजाब के हिमाचल तो टीचर हो जिन्होंने पंजाबी बारे पता ही ना हो तो की पंजाब का सुधार कर सकता है। इस हिसाब के नाल दूजी स्टेट का फिर प्रिंसीपल स्कूल के रखना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल असं तो कहने जे उन्हें पंजाबी नहीं आती कि वह पंजाब की गल कर सकता है कि पंजाबी वाले की कर सकता पंजाबी मां बोली की काम कर सकता। स्कूलों के बाबा जी ऑप्शनल भी गल हों कि ऑप्शनल पंजाबी रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते तो उत्थे की मतलब कंपलसरी होनी चाहिए या फिर इदा उन्होंने बाप का राज है पंजाब के स्कूल हो कल तुम गुरुद्वारे नहीं कहोगे हिंदी ग्रंथ रखो फिर उन्होंने बाप का राज थोड़ी है। पंजाब के रहने वाले कुछ लोग उन्होंने विरोध कर रहे हैं वो कर रहे मसंद ने जोड़ा मंड कर रहा पंजाब का वो किधरों आ थोड़े दिन पहला चंदपुर नहीं गया जी उ कांग्रेस में गाला कटन लग्या जी वह कोई ठिकाणा है मंड नहीं है वो गंद है उन्होंने पूछने वाला वे बंदर भी तू दया बंदरा जा भी तेरे गात्रा पाया हो दस्तार चढ़ाई हुई है भी तू पागला पंजाबी बोली भुल जा रहा पंजाब के जन्म लिया यद मतलब वो पंजाबी नहीं है कहते भैया भुइये का ही लगता मैंने तो वृंदावन पहुंचे हुए थे मन वो तो कोई धर्म रो जी है नहीं धर्म तो मैं नहीं होता जिम्मे कुत्ता नहीं होंगे गा एक एक दर वो दर से चले कभी वो दर से चले वो कुत्ता जेडे चार लंडू आ शिवसेना उन्होंने कह रहे हैं ये जो गंद न कहीं समझाना चाहते हैं लखा सिधाना जोड़ा है साडा बंदा है असी वो खड़े हाँ जे कोई गलबात की जो सरकार कार्रवाई करती तो वधिया गल आ नहीं तो फिर मंड दे जुत्ती वो फेरा याद करूगा। सत श्रीकाल तुसीं देख रहे हो द सिटी हैडलाइन तो मैं तुहाडे नाल जय कुमार। सो गल करिए जे सोशल मीडिया से तो सोशल मीडिया से एक मामला जिहड़ा बड़ा उभरिया होया लखा सिधाणा जे गल करिए लखे सिधाणे ने बीते दिन एक स्कूल का घराव किया सीगा। सो कुछ जथेबंदियां साडे नाल मौजूद ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो कोई स्कूल का घराव नहीं किया जिथे कि तुसीं देखो पंजाब दे विच रह के पंजाब मां बोली पंजाबी पंजाबीयत देखो पंजाब नूं बचाउण दी पंजाबी नूं बचाउण दी हर बंदा गल कर सकदा। देखो कि पंजाब होवे पंजाब दे विच हिमाचल तो टीचर होवे जिन्हूं पंजाबी बारे पता ही ना होवे तो की पंजाब दा सुधार कर सकदा कि वह पंजाब दी गल कर सकदा। क्योंकि पंजाब दे विच कोई भी स्कूल होवे कोई भी कॉलेज होवे सब तो एक नंबर ते पंजाबी भाषा लागू होनी चाहीदी असीं आप कहिंदे बिल्कुल गांह तो होएगी भी कोई भी सरकार पंजाब करके बणदी है पंजाबी लोका करके बनती है जे पंजाब दे विच पंजाबी नहीं लागू होएगी आने वाले टाइम से सरकार बदलिया जाएगियाँ सरकार खत्म हो जाएगियाँ। पर उन्होंने माड़ा भी कह रहे हैं कई कह रहे हैं पिछले वो गैंगस्टर रहा है अपनी पॉपुलरिटी वास्ते कर रहा है। देखो जिहड़ा हर बंदा दो तो धोता नहीं हुंदा सरकार को चंगियां हुंदियां एक टाइम बंदे की बैकग्राउंड की हुंदी है लखा सिधाणा जे काम कर रहा वो कोई गलत भी काम की कर लिया उन्हें पंजाबी वास्ते कह रहा है उन्हें यह तो नहीं कहा भी मैं स्कूल घर लै गया जा प्रिंस ये कह रहे भी पंजाबी बोलो पंजाबी पढ़ाओ अज नहीं ये घड़ो घड़ दस साल तो रौला पै रहा पंजाब दे विच पंजाबी वास्ते असी आप कहने भी पंजाब दे विच पंजाबी लागू होनी चाहिए कल्ले कल्ले जिहड़े बोर्ड आ कल्ले कल्ले दफ्तर आ ऑफिस आ हर थान ते पंजाबी जो बोर्ड लगना चाहिए। पर इस हिसाब दे नाल तां दूजी स्टेट का फिर प्रिंसीपल स्कूल दे विच रखना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल असी तो कहने जे उन्हें पंजाबी नहीं आती कि वह पंजाब की गल कर सकता है कि पंजाबी वाले की कर सकता पंजाबी मां बोली की काम कर सकता जिहड़ी साढ़े पंजाब सरकार आई भगवंत मान साहब की पंजाबिया करके आई 92% MLA जिते कढ ली एक बदला ली भी साढ़े पंजाब का भला होवे कोई पंजाब पखली होवे पंजाब वधिया होवे पंजाब नशिया तो मुक्त होवे हर काम लई तां ही पंजाब सरकार 92% आई लोगों ने बदला लिया तो जे पंजाब सरकार पंजाब का भला नहीं करेगी पंजाबी वाली गल नहीं करेगी पंजाबी मां बोली गल नहीं करेगी क्योंकि लोग बदलाव चाहते गां फिर बदलाव हो सकता है इस करके सानूं पंजाबी दे विच रह के पंजाबी मां बोली की गल करनी पेगी जिहड़ी भी सरकार ने पंजाब च टेक राज करना। पर विरोधी जिद्दां शिवसेना की गल करिए शिवसेना के आगू ने यह गल कही है कि जिथे पंजाबी नहीं हैगी माँ बाप उत्थे पाउंदे क्यों ने तो इहदा मतलब पंजाब दे विच पंजाबी खत्म करन की गल कर रहे हो। देखो जे शिवसेना है जे पंजाब दे विच उन्हां नूं भी अपने बच्चों नूं पंजाबी पढ़ाउणी चाहीदी है क्योंकि पंजाब दे विच पंजाबी लागू होएगी। देखो पंजाब च कोई नहीं रोक सकता जे अज सरकारा दबाउण दी कोशिश करनगियां
पंजाबी नूं जां पंजाबी बोलण वाले नूं जां जिहड़े पंजाब दे मुद्दे चक रहे आ ते सरकारां कित्थों पैदा हुंदी आ, सरकारां नूं असीं बणाया। उस स्कूल दे विच की कारण सीगा जिहड़ा इन्ना इकट्ठ कीता, उत्थे की कारण की सीगा जिहड़ा पंजाबी ना बोलण दा? जे तुहानूं वी पता ही है, जे उत्थे बच्चिआं दे कड़े लवाए गए, बच्चिआं ने आप कहा, जे बच्चिआं नूं उत्थे स्कूल च पंजाबी बोलण दे फैन लाए जांदे आ ते उत्थों दा जिहड़ा तुसीं आह वेखले प्रिंसीपल नूं इक पंजाबी दी लाइन नहीं पढ़नी आई, देखो की गल। पंजाब दे विच इक एडे वड्डे स्कूल च प्रिंसीपल घुमाउण दे काबिल है ते सरकारां नूं नहीं देखदा? सब तो पहले तो जिहड़ा भी उस स्कूल का उस कॉलेज का उतों की जिहड़ी कमेटी है जां कोई उतों दा ट्रस्ट है जिहड़े प्रबंधक है उन्हां दी सी दी भी तुसीं पंजाब दे विच रह गए, इक प्रिंसीपल का कोई कसूर नहीं हैगा, क्योंकि प्रिंसीपल नूं तो जिन्ने तनखाह दा देना उतों की जिहड़ी कमेटी प्रबंधक उन्हां दी पुछगिछ होवे। पंजाबी मां बोली बोलण तो कोई रोक नहीं सकता, हर स्कूल च हर कॉलेज च हर दफ्तर च पंजाबी मां बोली बोली जाएगी। खालसा पंथ का समूह निहंग सिंह जथेबंदी अं डट के कहने भी पंजाब दे विच पंजाबी ही बोली जाएगी, होर भाषावां बोली जाएगी तो बाद च, पहले पंजाबी बोली जाएगी। जिहड़े स्कूलों के इहोजे पंजाबी लैंगुएज की वरतों नहीं करते उन्हां स्कूलों नूं की चेतावनी देना चाहो? स्कूलों यही चेतावनी, जिन्हें भी पंजाब दे विच स्कूल है भावें कोई इंग्लिश CBSE आ जां कोई भी सरकारी, सारे स्कूलों नूं यही बेनती है, अजे तक बेनती कर रहे हैं असीं कि पंजाब दे विच सब तो उच्ची पंजाबी भाषा चलनी चाहिए, पंजाबी मां बोली चलनी चाहिए। बाकी भाषा का भी एक सत्कार करते हैं, वह भी पढ़ाओ, पर सब तो पहले पंजाबी, जे पंजाब दे विच रहना है, जे पंजाब दे स्कूल चलाने आ, पंजाबी भाषा नूं पहल दे आधार पर पढ़ाया जाए। पंजाब दे विच मामला उभरिया होया लखा सिधाणा नूं लैके, की कहना चाहो? देखो पंजाब का पोता वह पंजाब के अपने पंजाब के हक च नहीं बोलू तो होर यूपी बिहार नहीं बोलना, पंजाब का पोता बोलूगा उन्होंने हक है, और पंजाब के हर नौजवान हर जे पंजाब हिंदू रह रहा तो की गल पंजाब रह गए गल बिहार की करूँगा, गल तो पंजाब की करूँ ना, पंजाब रोटी खाँगा तो पंजाब का ही पोता होगा ना। पंजाब के रहने वाले कुछ लोग उन्होंने विरोध कर रहे हैं, वो जो कर रहे मसंद ने जोड़ा मंड कर रहा पंजाब का वह किधरों आ, थोड़े दिन पहले चंदपुर नहीं गया जी, उ कांग्रेस में गाला कटन लगे जी, वह कोई ठिकाणा है कोई स्टैंड है? जो चार बंद उन्हें 1000 रुपया फैन ला के मत्था टेकवा ला दो, उ राहुल गांधी को गाला कटन दिया है, वह किधर का वह कोई स्टैंड नहीं है, जानवर आजे उन्होंने जानवर कहने। बाकी पंजाब की जी भाषा आ, पंजाब की मां बोली भाषा आ, पंजाब की सिख एक सिख की भाषा जी आ, गुरसिखी भाषा आ, इनू कौन मन कर लूगा? यहोजे स्कूल ने जिहड़े पंजाबी नूं पिछे क्यों कर रहे हैं, क्यों पंजाबी नहीं बोलन दे रहे, क्यों उत्थे कड़े लवाए जा रहे हैं, तो क्यों उत्थे पग्गां दे नाल जिहड़ा खिलवाड़ किया जा रहा कुछ स्कूलों वालों? देखो जी ये तो जिहड़े पहाड़े दे टट्टू जिन्हों पहाड़े टट्टी तुसीं कहिंदे हो अजे तां गद्दार कहिंदे आ, जे इदां सिख कौम जां पंजाब दा नाम जां पंजाब सिखी पंजाबीयत नूं इह तरीके नाल खत्म करना चाहुणगे तां खत्म नहीं होणे, ये तो उदों खत्म नहीं होई जे टाइम सवा सवा लख मुगलों के नाल लड़ते रहे कला कला, तो उदों नहीं खत्म होती, हूँ की खत्म होनी, हूँ तो बहुत बूटे आ, हूँ तो फौजे ही बहुत ने, हूँ सिख लोग कहते कहते 2% है अभी 96 करोड़ आ, 2% जड़े फिर वो हो 2% नहीं तो 96 करोड़ है, अंदर धजिया उड़ावे। अज तो पहला 70 साल पहला आप अज तक यह गल् सुनिया सगिया, हूँ पंजाब के पहले नंबर से पंजाबी आनी चाहिए है, हम यूपी बिहार जाने कहते पंजाबी लिखी है बोर्डों ने किलोमीटर ने लिखी है, इतने दूजे नंबर से हिंदी वाड़ी हुई है, क्यों वाड़ी है? जो यूपी बिहार के पंजाबी नहीं हैगी तो पंजाब के हिंदी भी नहीं होनी चाहिए। स्कूलों की कहना चाहूँगा? यह स्कूलों यही कहने जे तो पंजाबी पढ़ानी है ठीक है, नहीं तो भाई स्कूल बंद करो। मैं कल भी एक कार्रवाई करके आया अपने रामगढ़ के माई भागो का स्कूल आ, वो भी बहुत बड़ी गल हुई है, वो अभी कार्रवाई पा के आए हैं, वो बहुत बड़ा धक्का हो रहा कि जोड़े उत्ते मोने घोने ने जोड़े हिंदू धर्म को बिलोंग करते उत्ते प्रिंसीपल आए हुए हैं, एक सरदार प्रिंसीपल लगे उन्होंने उतों पूरा धक्का भाई भी कटना आया, कल उन्होंने मारन भी पे आ। उस स्कूल के प्रिंसीपल जो हिमाचल का कह रहे हैं हिमाचल का, उस प्रिंसीपल को की कहना चाहोगे, उन्होंने बायकट करते हो या फिर उस? बिल्कुल जी देखो जे सानू नौकरियां पंजाब हिमाचल च जां काम नहीं मिलता फिर जिहड़े हिमाचल दे लोग ने फिर अपने पंजाब तो बाईकाट होण, असीं तां बाईकाट करन कहिंदे आ।
जिन्होंने पंजाब की मां बोली नहीं आती वह कड़े पासों पंजाबी आ जोड़ा प्रिंसीपल उन्होंने भाषा ही नहीं पंजाबी आँगी पंजाबी भाषा पढ़नी नहीं आती वह किधरों प्रिंसीपल आ कई स्कूलों के बाबा जी ऑप्शनल भी गल होंगी कि ऑप्शनल पंजाबी रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते तो उत्थे की मतलब कंपलसरी होनी चाहिए या फिर इदा ऑप्शन उन्होंने बापदा राज है पंजाब के स्कूल हो गए कल तुम गुरुद्वारे नहीं कहो गए हिंदी ग्रंथ रखो फिर उन्होंने बापदा राज थोड़ी है कल तुम गुरुद्वारे कहो गए हिंदी च ग्रंथ लियाओ फिर तो इन्होंने ही गल सुना असं नहीं सुन देने गल जो साढ़े पंजाब का हक है अपना लैके छड़ा जो साड़ा हक है वो उत्थे ही रहना चाहिए पंजाब की भाषा पंजाबी है वो बरकरार रहनी चाहिए चाहे स्कूल है चाहे कित भी बोर्डा दे चाहे कचहरिया कोर्टा के साड़ी पंजाबी पहले नंबर पर होनी चाहिए है पहले नंबर पंजाब के लोगों को क्या संदेश देना पंजाब के लोगों को यही कहना चाहोंगे कि जड़े आ खच खाना जरा हिंदी बोलता है पंजाबी हो गए भी हिंदी बोलते हैं अं उन्होंने कहूँगी अपनी पंजाबी माँ बोली भाषा ना भुलो जो भुलोगे तो एक दिन तुम रुल जाओगे लखा सिद्धांत के नाल बिल्कुल बिल्कुल लखा सिद्धांत एक टोक आ सारिया फौजा साढ़े लखा सिद्धांत जी उन्होंने विरोधी पार्टियां जो विरोध कर रहे हैं उन्होंने भी बनती कार्रवाई करा प्रशासन खुद देख रहे नहीं करोगे फिर बनती कार्रवाई करा तो साढ़िया फौजा खड़िया ने जी पंजाबी बोली बारे कह रहे हैं भी जेडे माँ पंजाबी बोली जो माँ भुल गया अपनी वो बंदा कहदा होया अपनी माँ एक माँ बोली है ना पंजाबी पंजाबी माँ बोली जो भुलता वो तो बंदा नहीं तो जो तू कहना ना मंड बारे बाबा जी ने पुछता है वो तो सारा गंद है मंड नहीं है वो गंद है उन्होंने पूछना वे बंदर भी तू दादा बंदर जहा भी तेरे गात्रा पाया हो दस्तार चढ़ाई हुई है भी तू पागला पंजाबी बोली भुल जा रहा पंजाब जन्म लिया ये मतलब वो पंजाबी नहीं है कि भैया भुइये का ही लगता मैंने तो पिछे वृंदावन पहुंचे हुए थे मन जिन्हों की गल कर रहे पिछले वृंदावन पहुंचे हुए थे ढोलक बजा रहे थे कि वो हिंदू धर्म को प्रमोट कर रहे हैं या सिखी या पंजाबी बोली खत्म कर रहे हैं वो तो कोई धर्म रोज ही है नहीं क्या धर्म धुर मैं नहीं होता जिम्मे कुत्ता नहीं होंगे एक 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 दर वो कर दर से चले जाने कभी वो दर से चले जाने वो कुत्ता कुत्ते का कोई धर्म नहीं होंगे होंगे कुत्ता कदम धर्म कभी सुने बिना पटे तो वो कुत्ता धर्म धुर मैं नहीं होता तो कुत्ता जिते मर्जी पूछ मार के बह जाता वह पूछा मारता फिर थां थां मंड खास करके मैं मंड कहना सारी शिवसेना ने नहीं कह रहा जेडे चार कलंडू आ शिवसेना उन्होंने कह रहा ये जो गंद नही समझा चाहते हैं लखा सिधाना जोड़ा है साडा बंदा हैगा असी उहदे नाल खड़े हाँ जे कोई गलबात की तो जे सरकार कार्रवाई करती तो वधिया गल आ नहीं तो फिर मंड दे जुत्ती वह फेरांगे ते याद करूगा शिवसेना वालों भी विरोध इसका जताया गया शिवसेना कहने भी भरावो यार वो हिंदू लो हिंदू धर्म है हिंदू धर्म के कहते हिंदी चलनी चाहिए है पर रेंदे पंजाब च सिख धर्म पंजाब है पंजाब के रेंदे आप सारे रेंदे ना परदेसी बंदे भी आते सारे रेंदे पंजाब च रेंदे सारे पंजाबी बोलते हैं भी जिहड़ी साडी मां बोली पंजाबी है वो बोलनी जरूरी है जिहड़ी हिंदी है सारे जिन्नी भी भाषा है सारे वेलकम कहने ठीक है जैस है पर पंजाबी बोली उत्ते जरूर होनी चाहिए है जिवें आप उत्तराखंड चले जाइए बिहार चले जाइए यूपी उत्ते लिखा होंगे ना पहले अखरों के हिंदी के उस तो बाद थले भाषा सारिया लिखिया होंगे साड़ी माँ बोली जी पंजाबी है पहले बड़े वे अखर उत्ते होना चाहिए फिर थले जी मर्जी भाषा लिखन सूँ कोई टेंशन नहीं कोई भाषा के नाल नहीं है पंजाबी बोली का नहीं विरोध कर रहे लखा सिधाणा का विरोध कर रहे हैं वो पागल है वो गैंगस्टर है गैंगस्टर कहदा जमदा गैंगस्टर है उन्होंने मैं पूछना चाहना जो तुम कहते गैंगस्टर है माँ के ढिड तो जन्म लैंदा गैंगस्टर गैंगस्टर कभी माँ के जन्म पेट पेट जन्म तो नहीं लैंदा तो लैंदा जन्म लिया तू जमदा पत्रकार ही सीगा तू पत्रकार सी जन्म तेरे नाल लिट बन के आई तू पत्रकार ने जन्म लिया बाबा जी वो कह रहे ने गैंगस्टर सी कि अपनी पॉपुलैरिटी वास्ते कर रहे हो पागल है पंजाबी बोली का कोई लेना देना नहीं कहता समाज लई सेवा कर रहा सेवावां चल रही ने वो भी सेवा कर रहा कौम दे लई दीप सिंह कौम लई करके गया संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले कौम लई करके गए साडे महान योधे जिन्ने भी आ काली फूला सिंह कौम लई करके गए महाराजा रणजीत सिंह कौम लई करके गए केड़ा आया कौम लई सब करके गए आ कौम लई करदे आ सानू वो नहीं साडे पंजाब दी पंजाबीयत नू खत्म करन दी कोशिश ना करो ये खत्म करनी बहुत औखी है एदियां जड़ां बहुत डूंघियां ने बाबा जी की कहना चाहोगे पंजाब दे विच पंजाबी माँ बोली के खिलाफ गल्लां उठ रही ने स्कूल दे विच पंजाबी नहीं पढ़ा दी जा रही है लखा सिधाणे ने इस दी गल चक्की है पर हुण लोग उसका विरोध कर रहे हैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जो लखे सिधाणे ने बोलिया बहुत वधिया बोलिया वो पंजाब दे हक च बोलिया ये लोग जड़े ने मसंद ने ना ये जान के टिप्पणियां करते पे ने लखे सिधाणे ने कोई माड़ी गल तो नहीं की जी पंजाबी बोली है साड़ी
वो तो साढ़े नाल पंजाब दे रहनी आ, वो जड़े आ के बिहार चो लोग वो इत्थे आ के पंजाबी बोलन लग गए ने, पंजाबी सीख गए ने, ते ये साढ़े जड़े पंजाबी ने यही साढ़े पंजाब च बोली नू गवाई जांदे ने पंजाबी नू। ये नहीं करना चाहिए, बहुत माड़ी गल आ। जड़े टिप्पणियां करदे ने इन्हां दा मूँह बंद होना चाहिए। असी लखे सिधाणे दे नाल आ, मनो तनो नाल आ। उन्हें जो बोलिया वधिया कीता, माड़ा नहीं कीता, असी उहदे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़ांगे ते खड़दे रहांगे। पंजाबी मां बोली नू लैके पंजाब दीआं सिख जथेबंदियां खड़ गईआं। तुसीं तस्वीरां देखीआं किस तरीके नाल लखा सिधाणे दे विरोध करन वाले लोकां दे खिलाफ सिख जथेबंदियां पंजाब दीआं खड़ीआं ने, लखे सिधाणे दे नाल ने। सो तस्वीरां तुहाडे नाल सांझीआं कर रहे हां लुधियाणा दीआं, जिथे सिख जथेबंदियां दे नाल अज गलबात कीती। सो किस तरीके नाल कमेंट करके जरूर दस्सिओ कि आखिर लखा सिधाणा सही है या फिर जिहड़े उसका विरोध कर रहे ने वो सही ने। कैमरामैन प्रिंस दे नाल जय कुमार, द सिटी हैडलाइन।